ओक का जो पेड़ होता है इन दोनों की टांगों में लगाई है आज फिर से। म्याऊं की आगे दो म्याऊं हो गई, तीन हो गई थी। अच्छा पूरा बीवी इसमें वैक्स पड़ इसलिए कभी मिट्टी खा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज आपके भाई ने एक और बी हाइव लाई है, ये देखो। एक्चुअली मैंने नहीं लाई थी, कल तो मेरा पूरा दिन बिजी गया था, संदीप लेके आया था ये वाली बी हाइव अल्ताफ भाई से। और अपडेट दे दे आपको हमारे टॉम एंड जेरी का, ये देख लो हमारे टॉम, ओए टॉम टॉमू, इनको दोनों को, इन दोनों ने, ये देखना इन दोनों ने, इसने और इसने, इन दोनों की टांगों में लगाई है आज फिर से। ये देखो ये बेचारा सुबह से बाहर ही नहीं आया, इसकी भी टांग में लगाई है और इसकी भी टांग में लगाई थी, तो दोनों बेचारे आज घायल है, चुपचाप करके बैठे हुए हैं। इनकी हरकतें उठाते हैं फिर गिरा देते हैं नीचे इनको। तो अब मैं आपको अपनी बी हाइव दिखा देता हूँ, ये लॉग हाइव है एक्चुअली, लॉग बी हाइव। ये अल्ताफ भाई ने दिया हमें कल, इसके अंदर देखो किसी टाइम मधुमक्खी लगी हुई थी, ये देखो पूरी वैक्स यहाँ पे लगी है साइड जो है, ये देखो। अब मुझे इसको दोबारा से सेट करना है और एक जगह पे लगा दूंगा मैं, ये देख लो यहाँ पे देख लो, एक और बी हाइव पे आपका भाई काम कर रहा है। मुझे आता तो नहीं है बट यूट्यूब से देख देख के एक लॉग पकड़ा है मैंने, तो इसके बीच में आग लगा दी मैंने, ये जल जाएगा, उसके बाद इसको अंदर से ग्राइंडर से साफ़ कर दूंगा मैं, तो एक और हाइव रेडी हो जाएगी। ये देख लो गाइस, इसके अंदर ऑलरेडी एक होल था बट बीच में जो हड्डी है बहुत हार्ड है। एक्चुअली ओक का जो पेड़ होता है वो होता ही बहुत हार्ड है। इसकी एक बार अल्ताफ भाई बोल रहे थे, एक बार आपकी हाइव बन गई ना इससे तो कम से कम आपके 100 साल चलेगी, वो उसके दादू के टाइम की एक उनके पास है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी हार्ड लकड़ी होती है। इसलिए स्पेशली उन्होंने बोला कि इस वाले अगर पेड़ की लकड़ी मिल जाए तो उसकी सबसे बेस्ट होती है हाइव्स। और इसकी जो बाहर से ये खाल है ना, मैं ये खाल भी नहीं निकालूंगा ताकि ये डेकोरेट हो जाए अच्छे से, मतलब बढ़िया सा बी कीपर बनना आपके भाई ने। बी हाइव का काम मैं बाद में कर लूँगा, अभी मुझे जाना दीदी को लेने, और ऊपर से स्कूटी जो थी कल वो भी नीचे रखी है, यहाँ तक नहीं लाया था क्योंकि जॉय था मेरे साथ में, तो मुझे उधर नीचे जाना पड़ेगा। और ये देखो इन दोनों की मस्ती, इनको जैसे ना वो टेडी बियर्स मिल गए हैं, ये देखो ये मस्त है इन दोनों के साथ। और इनका गाय का भी ध्यान रखना, देखना गाय कहाँ चलेगी, चल काकी निकाल खुजा के, चल शाबाश जा, चप्पल लगा चप्पल लगा। अच्छा अच्छा और क्या, ये छोटे छोटे ना इनके दांत में चुल मचती रहती है अब, तो जो भी चीज़ मिल जाए इसको काटने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इसको भी काटेंगे अब। ओए जेरी टॉम, इसका नाम जेरी, इसका नाम टॉम। हाँ इसका टॉम, इसका जेरी, तुझे पता नहीं था अभी क्या? ये टॉम। अच्छा पहले सबको हाय कर ले, हाय कर ले, मतलब हाय। चलो जी अब मैं निकलता हूँ यार, लास्ट व्लॉग में कोई पूछ रहा था कि म्याऊं कहाँ गई, तो ये देखो म्याऊं की आगे दो म्याऊं हो गई, तीन हो गई थी, तीसरा पता नहीं कहाँ है, तीन म्याऊं थी बट ये हमारे पास नहीं हुई इसलिए नज़दीक ही नहीं आती है। मचू A few moments later. अभी तो फिलहाल धूप है बट फिर भी एक एक्स्ट्रा हुडी आपके भाई ने रख ली है, क्योंकि स्कूटी पे जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना बहुत ठंड लगती है। और लो हम पहुंच गए अपने स्टेशन पे जहाँ पे आपके भाई ने स्कूटी लगाई है अपनी। लो जी गाइस आपका भाई वापस भी आ गया, मुझे एक्चुअली दीदी को लेने जाना था, बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बट इस ऊपर वाली रोड पे ना यार हालत ही ख़राब हो जाती है, क्या बोलूँ कितनी वाट लग गई, अभी पूरी आंते जो है ना उनकी वाट लग जाती है। गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज हम बनाने वाले हैं हांडी चिकन, तो हांडी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हांडी लाई है आपके भाई ने और चिकन भी ले आया हूँ मैं, बट फिलहाल अभी यहाँ पर बन रहा है पास्ता। तो गाइस पास्ता के लिए सब्जियाँ काट ली हैं और एकदम फ्रेश हांडी है, और हांडी बहुत बड़ी है यार, ये कुछ ज़्यादा बड़ी है, इसमें बन जाएगा पक्का, आर यू श्योर? चलो आज हांडी चिकन बनाएंगे वो भी इसके अंदर, फिलहाल तो पास्ता खा लेंगे हम। इतने ना कोई घास खा रहे थे यहाँ पे, कितनी ज़्यादा घास खा गई है तो। और बी हाई बनाते बनाते आपके भाई के हाथों का हाल क्या हो गया, ये देखो इनके दांतों में चुल मची रहती है ना इसलिए कभी मिट्टी खा रहे हैं कभी घास, अब लकड़ियाँ खाने शुरू हैं। ओए टॉम टॉम, खा लो शाबाश। पास्ता पार्टी यहाँ पे चलती हुई, जो है कैसा है पास्ता? ओ ऊपर देख तो सही, शर्मा रहा है, ये शर्मा रहा है लड़का, जो है ऊपर देखना बता कैसा है, देख तो सही टकलिया। ये पास्ता अभी हमारे
बता कैसा है, है? बोला नहीं, ये नहीं बोलेगा, ये शर्माता है, ये व्लॉग में शर्माता है, ये नहीं शर्माती, ये नहीं शर्माती। ये देख लो गाइस, आपके भाई ने बी हाइव को भी अच्छे से सेट कर दिया, ये देख लो पूरी मिट्टी मिट्टी लगा दी है, हल्की सी भी दरार इसके अंदर नहीं है, ये देख लो, वाह पूरा जो है ना यहाँ पे पूरा भी इसमें वैक्स पड़ी हुई है, यहाँ पे भी इस वाली हाइव में भी किसी टाइम हनी भी थी, ये देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, कल जो भी अल्ताफ भाई ने सिखाया है वैसे कर लेंगे, और ये जो ढक्कन है इसको हम कर देंगे ऐसे बंद, ऐसे करके तो इसको बाहर से मिट्टी लगा देंगे और कहीं पे एक अच्छी सी जगह देख के इसको रख देंगे हम। और जॉय को देखो ग्वाली कर रहा है अपनी नानी के साथ, इसको गाय कुत्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, बट गाय से डरता बहुत है, पसंद भी है और डरता भी है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ दीदी को वापस पहुँचाने, हाँ शादी है वहाँ पे, तो वहाँ से सुबह लेके आया था, अब मैं वापस पहुँचाने जा रहा हूँ। तो ये जो पहाड़ी है हमारी, इसके बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे नाला है ना हमारा, वहाँ पे जाऊँगा आज मैं, तो तब तक तो शायद अंधेरा हो जाएगा, नहीं तो आपको हमारा जो नाला है ना वो भी दिखा देंगे, कौन से नाले से बिलोंग करते हैं हम। और इस डांसर को देखो, जब देखो अपने होते पागलों की तरह डांस करती रहती है, हमारी JCB वहाँ तक रोड पहुँच गई है, देख लो यहाँ से दिख रही है, नहीं दिख रही है अभी, नहीं दिख रही है, पेड़ों में छुपी है, तो जो रोड का काम था वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में, हांडी चिकन रेडी होना चाहिए तब तक, मैं आके वो जो है ना कोयले में यहीं पे गर्म करूँगा। चलो जी फिर, रोड की इतनी कंडीशन ख़राब है कि 2 सवारी लेके मैं वापस जा नहीं सकता, अब स्कूटी पे नीचे तक मैं जाऊँगा, ये पैदल ही आते हैं। चलो चलो निकलो फिर जल्दी जल्दी। लो जी गाइस पहुँच गए हम अपनी पहाड़ी के बिल्कुल बॉटम पे, ये देखो ये रहा हमारा नीचे नाला, और सामने वो जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है ना, यहाँ पे शादी आज, ये देखो सामने यहाँ पे शादी आज, और हमारे जो घर है ना इस वाले पहाड़ के ऊपर है, अभी भाई 15-20 मिनट लग जाएंगे मुझे स्कूटी के ऊपर, और अब मैं आपको नाला वगैरह नीचे दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल नीचे लगता है, यहाँ से और 5 मिनट लग जाते हैं, बट ऑलरेडी देखो अंधेरा होने को है, मैं नहीं चाहता आज फिर से हम अंधेरे में पहुँचे, तो निकलते हैं। ओके गाइस तो फाइनली आ चुके हैं वापस, और आज फिर से 6 बज गए, मतलब अंधेरा हो गया, हांडी चिकन का प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी खाना खाते हैं, तो अब जल्दी बनाना है, हांडी वैसी की वैसी रह गई, अब हम चढ़ाएंगे इसको कढ़ाई में ही। गाइस थैंक यू सो मच आप सभी का, हमारे 400 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप सभी की सपोर्ट की वजह से, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और बाकी जो आज का व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।